दोस्तों, द वॉल कहे जाने वाले मिस्टर राहुल द्रविड़ ने अपने क्रिकेट करियर में कुछ ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जो ना सचिन तेंदुलकर तोड़ पाए और ना दोस्तों विराट कोहली और स्टीवन स्मिथ तोड़ पाएंगे और ना ही दोस्तों रोहित शर्मा तोड़ पाएंगे। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिस्टर वॉल राहुल द्रविड़ के कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स की जो दोस्तों सिर्फ उन्हीं के नाम रहेंगे। ताउम्र दोस्तों, कोई भी बल्लेबाज कितना ही महान क्यों ना हो, वो रिकॉर्ड्स नहीं तोड़ पाएगा। तो क्या है दोस्तों उनके कुछ महान रिकॉर्ड्स, आपको वीडियो में पूरी बात बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो हमेशा की तरह काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, राहुल द्रविड़ का जन्म 11 जनवरी 1973 को इंदौर में हुआ। दोस्तों, इनके डेब्यू की बात करें तो टेस्ट डेब्यू इन्होंने दोस्तों 20 जून 1996 को इंग्लैंड के खिलाफ किया था। वहीं ओडीआई दोस्तों 3 अप्रैल 1996 को श्रीलंका के खिलाफ किया था। दोस्तों, इन्होंने अपनी लास्ट इंटरनेशनल ओडीआई 16 सितंबर 2011 को इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी। वहीं लास्ट टेस्ट मैच इन्होंने 24 जनवरी 2012 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। उसके बाद दोस्तों इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। दोस्तों, काफ़ी अच्छा इनका करियर रहा और काफ़ी ऐसे रिकॉर्ड्स इन्होंने बनाए जो दोस्तों बिल्कुल अनब्रेकेबल हैं और इनके साथ खेलने वाले मिस्टर सचिन तेंदुलकर भी उन्हें नहीं तोड़ पाए। तो दोस्तों, क्या है वह रिकॉर्ड, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये बात काफ़ी लोग जानते हैं कि वो कितने ही बेहतरीन बल्लेबाज थे, साथ ही में ऐसा पार्ट टाइम वो कभी कभी गेंदबाजी भी कर लेते थे। पर दोस्तों, उनका पहला रिकॉर्ड आता है एज अ फील्डर। दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कैचेस एज अ फील्डर राहुल द्रविड़ ने की हैं, जो कि 210 हैं। और दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है और इसके आसपास अभी कोई भी खिलाड़ी नहीं है। इसके बाद बात करें दोस्तों दूसरे रिकॉर्ड की, तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा सेंचुरी वाली पार्टनरशिप में भागीदार रहे हैं और दोस्तों ये नंबर काफ़ी अधिक है। दोस्तों 88 सेंचुरी पार्टनरशिप में दोस्तों ये भागीदार रहे हैं और दोस्तों इन्होंने 20 सेंचुरी पार्टनरशिप सचिन तेंदुलकर के साथ की है। दोस्तों काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है ये और शायद ही टूटे। इसके बाद दोस्तों इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं ये जिन्होंने तीसरे नंबर पे 10,000 रन बनाए हैं। दोस्तों इनके साथ में खेलते हुए रिकी पॉन्टिंग भी तीसरे नंबर पे बैटिंग करते थे पर वो इस रिकॉर्ड तक नहीं पहुंच पाए। और दोस्तों एट प्रेजेंट स्टीव स्मिथ और जो रूट जाने माने खिलाड़ी हैं जो इस नंबर पे बैटिंग करते हैं, पर शायद ही 10,000 के करीब पहुँचे तीसरे नंबर पे बैटिंग करते हुए। ये रिकॉर्ड भी काफ़ी इम्पॉसिबल है ब्रेक करना। दोस्तों चौथे रिकॉर्ड की बात करें तो दोस्तों सबसे ज़्यादा मिनट्स इन्होंने ऑन फील्ड बिताए हैं दोस्तों बैटिंग करते हुए, जो कि 244,152 मिनट हैं। इसको अगर दोस्तों और इसको सिंपल किया जाए तो दोस्तों ये एक मंथ के अप्रॉक्स होता है ये टाइम। दोस्तों इसके बाद इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा डिलीवरी खेलने का रिकॉर्ड बनाया है, जो कि 31,258 है। दोस्तों दूसरा कोई भी खिलाड़ी इसके आसपास भी नहीं है। दोस्तों इनके आज के आखिरी रिकॉर्ड की बात करें तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी खास रिकॉर्ड है। दोस्तों इन्होंने सभी 10 टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ सेंचुरी लगाई है और सिर्फ उनके अपने ही ग्राउंड में नहीं, उनके होम ग्राउंड में भी उन्होंने ये सेंचुरी लगाई है। दोस्तों इसके बाद आते हैं सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 10 में से 9 देशों के खिलाफ सेंचुरी लगाई है। वो सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ सेंचुरी नहीं लगा पाए उनके ही ग्राउंड में। दोस्तों उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ उनके धरती पे 4 टेस्ट मैच खेले और उनका हाईएस्ट स्कोर 74 रहा। तो दोस्तों ये रिकॉर्ड भी शायद ही कोई तोड़ पाए, क्योंकि दोस्तों द्रविड़ ने 10 टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ उन्हीं के घर में 10 सेंचुरी लगाई है। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पॉसिबल रिकॉर्ड है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों कमेंट्स करके बताएं आपकी राय कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।